मैं एक्चुअली झूठ नहीं बोलना चाहता हूँ। कुछ समय पहले मैंने इस्लाम कबूल किया था, बट मैं उस पर फॉलो नहीं कर पाया। कुछ मजबूरी के कारण हो सकता है मैंने किया हो, कुछ पाने के कारण, बट मैंने इस्लाम को जाना, मैंने नमाज़ पढ़ना चालू किया, मैं हर एक चीज़ जाना जो मुझे आज काफ़ी अच्छी लगती है। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि मुस्लिम नहीं हूँ, बट मैं आपसे सबके सामने कलमा पढ़ना चाहता हूँ। भाई साहब ने कहा कि कुछ वक्त पहले उसने इस्लाम कबूल किया था, लेकिन मजबूरी के तहत वो इस्लाम पे पूरे मुकम्मल तरीके से अमल नहीं कर रहा था। कभी नमाज़ पढ़ता था, छोड़ता था। अभी वो चाहता है कि फिर से कलमा पढ़े, लेकिन इस वक्त कलमा पढ़ने के बाद आपकी नियत है कि इंशाल्लाह मैं मुकम्मल तौर से अमल करूँगा। मुकम्मल तौर का मतलब नहीं कि 100% शुरू करे, नियत अगर है शुरू करो नमाज पढ़ने के लिए, एक बार शुरू करो, फिर 2 बार, फिर 5 बार, फिर जमात से। जरूरी है कि अगर कलमा पढ़े तो 100% 5 बार जमात से टाइम पे। इंशाअल्लाह मैं दुआ करूंगा कि अल्लाह ताला आपको इस चीज के लिए मदद करे। आप मानते कि खुदा एक है? जी जरूर। आप मानते कि खुदा के अलावा कोई माबूद नहीं? जी। आप मानते कि बुत परस्ती गलत है? जी आप मानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है? जी तो इंशाअल्लाह मैं अरबी में कहूंगा और आप उसे दोहराइए। जी जरूर। अशहदु अशहदु अल्लाह अल्लाह इलाहा इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाह व अशहदु व अशहदु अन्ना अन्ना मुहम्मदन मुहम्मदन अब्दुहु अब्दुहु व रसूलुहु व रसूलुहु। मैं शहादत देता हूँ के अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके पैगंबर और बंदे हैं। माशाल्लाह मुसलमान बन चुके। और मैं दुआ करता हूँ अल्लाह सुबहाना तआला से कि आपकी मदद करे, आपको हिदायत दे और इंशाअल्लाह आपको इस्लाम पे काम करे। और दुआ करता हूँ कि आप मुस्लिम बने और मुस्लिम मरे। मुस्लिम मरना बहुत अहम है। और अल्लाह दुआ करता हूँ आप और मैं इस्लाम के दीन पे मरे, इस्लाम में पूरे तौर पे दाखिल हो और इस्लाम ही में मरे। मुझे एक और चीज़ पूछनी है आपको, वक्त बहुत कम है, खाली एक चीज़ छोटी सी। मैं एक्चुअली काफ़ी कंपनी में काम कर चुका हूँ और मैंने देखा है कि मुस्लिम्स को दाढ़ी रखने का हक नहीं मिलता है, नमाज़ पढ़ने का वक्त नहीं दिया जाता है, बल्कि हम इंडियन कानून के हिसाब से 8 घंटा हमें बोला गया है काम करने के लिए, हम 12 घंटा करते हैं। जब हम बोलते हैं हमें दाढ़ी रखना है, ये आपका ये रूल नहीं है, आप निकाले जाएंगे। हमें नमाज़ पढ़ना है या नमाज़ पढ़ने आप आते नहीं हैं, ऐसा क्यों? जब गैर मजहबी, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, उन्हें दाढ़ी रखने का लंबे बाल रखने का हक दिया जाता है, तो हमारी एक कमेटी क्यों नहीं बनाई जाती है और हम इसे लड़के नहीं लीगली रजिस्टर करके हम अपने दाढ़ी के लिए और नमाज़ के लिए वक्त लिया जाए? भाई साहब ये पूछ रहे हैं, ये ईद आई थी, ये ईद नहीं, काफ़ी ईद गई, चलो मैंने ईद मनाई। भाई साहब का सवाल है कि हमें हक क्यों नहीं दाढ़ी रखने का, हमें हक क्यों नहीं नमाज़ पढ़ने का? दिगर मजाहब लोग को लंबे बाल रखने की इजाज़त है, उनका इशारा सिख मजहब की तरफ था, तो हम क्यों नहीं कमेटी बनाते कि हमें भी हक हो? आप अगर ऐसा माहौल पैदा करेंगे, लोग को आजकल दाढ़ी से डर है, तो हम ऐसा माहौल पैदा करेंगे दाढ़ी को चाहने लगे। मेरी एक तकरीर है, इफ़ द लेबल शोज योर इंटेंट वेयर इट, एक तकरीर है जहाँ मैं साबित किया, पहले ज़माने में गैर मुसलमान जब टैक्सी में सफ़र करना चाहते थे, वो चाहते थे ऐसी टैक्सी में सफ़र करो जिसके टैक्सी ड्राइवर टोपी पहने दाढ़ी है, क्योंकि उन्हें फ़ख्र था कि मुसलमान ईमानदार थे। इंशाअल्लाह ये वक्त आएगा, तो आप ऐसे इदारे से जुड़ो जिसको इस्लाम के बारे में गलतफहमी नहीं है, और ऐसे इदारे को जुड़ो भले आपको तनख्वाह कम मिलेंगे। हमारे इदारे में फ़र्ज़ है कि हर आदमी को दाढ़ी रखना चाहिए, चाहे डॉक्टर हो चाहे इंजीनियर हो, उसको टोपी पहनना फ़र्ज़ है। इस्लाम में टोपी पहनना फ़र्ज़ नहीं है, ये लेकिन निशानी है। थकने के ऊपर पहनना फ़र्ज़ है, साथ साथ नमाज़ पढ़ना फ़र्ज़ है, अगर नमाज नहीं पढ़ेगा तो निकाल लीजिए। तो आप ऐसे इदारे से जुड़ जाइए जो आपको इस्लाम के करीब लेके आएगा, बड़े आपकी तनख्वाह कम मिलेंगी आपको, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपको इसका अजर देगा इस दुनिया में और